सो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू. हेलो एवरी वन, वेलकम टू द एग्जाम कैसल. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू योर अपकमिंग सीमैट 2021 एग्जामिनेशन, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 22 फेब्रुवरी एंड 27 फेब्रुवरी 2021. ओके, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी अपकमिंग सीमैट एग्जामिनेशन के बारे में. पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा, कैसे आपको हर सेक्शन में 99+ परसेंटाइल स्कोर करना है, उसी के साथ साथ सेक्शन कितना भी इजी हो कितना भी डिफ़िकल्ट हो आपको किस तरह से हैंडल करना है, पूरी स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, और सीमैट आपकी होने जा रही है 22 फरवरी और 27 फरवरी 2021 को. सो अभी भी आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, एक मंथ का. आप बहुत अच्छे से अपनी रिवीजन कर सकते हो, वीक एरियाज को अभी भी इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज ट्रेडिशनली सीमैट की एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्ट लेवल पर होती है. लास्ट ईयर NTA ने कंडक्ट किया सीमैट को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, उससे डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी और कम हो गई है. इस बार भी NTA ही कंडक्ट करेगी आपकी सीमैट, तो उम्मीद है डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहेगी एज़ पर लास्ट ईयर. बट इनकेस अगर थोड़ा वेरिएशन भी होता है, पेपर थोड़ा टफ भी होता है, सो आपको पता है कि पेपर अगर टफ है और आप वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हो तो हर किसी के लिए टफ़ है, तो कट ऑफ भी कम होगा. जैसा देखा जाता था कि 2015-16 में इनकेस अगर सीमैट बहुत टफ़ आ गया जब AICTE कंडक्ट करती थी एग्ज़ाम, सो देखा गया है 260-270 इस स्कोर पर भी आपको 99.9% मिल जाते थे. वही ऑन द अदर हैंड अगर पेपर बहुत डुएबल है, इजी टू मॉडरेट लेवल पर है, तो आप इजीली 99.9% का जो ड्रीम स्कोर है वो अचीव कर सकते हो 330-345 इस रेंज में, इतना स्कोर करके. सो डिपेंड करता है आपके एक्चुअल एग्ज़ाम पर, बट हमारा काम है कि प्रिपरेशन करना, हमारी प्रिपरेशन हमारे हाथ में है, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ. सो उसी पर फोकस रखो, ठीक है. उसके बाद में जैसा ये हमारा 5th वीडियो होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेशनल लेवल MBA एंट्रेंसेस के सीरीज़ में. इसके पहले मैंने स्नैप पर वीडियो बनाया था, 99% सिमिलर टॉपिक्स थे, आपने देखा है. NMAT में जो मैंने वीडियो बनाया है वो काफ़ी हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को. अभी NMAT की डेट्स भी एक्सटेंड हो गई है अप टू 8-10 फेब्रुवरी, सो अभी भी आपके पास चांस है NMAT देने का. साथ ही साथ IFT जो लोग देने वाले हैं उनके लिए IFT का स्ट्रेटेजी वीडियो भी मैंने बना के रखा है, जेवियर्स के लिए भी बनाया था और अब सीमैट के लिए बना रहा हूँ. सीमैट के लिए वीडियो बनाने का मेन रीज़न मेरा ये था, स्टूडेंट्स थोड़े डिप्रेस्ड है जो रिसेंट रिजल्ट्स आउट हुए हैं स्नैप जैट कैट के. सो जितनी उन्होंने मेहनत की, जितना मिडनाइट ऑयल बर्न किया उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में, उतना उन्हें फ्रूटफुल रिवॉर्ड नहीं मिल पाया उन एग्ज़ाम से, बट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. सीमैट अभी भी आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो. सीमैट आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देती है टॉप कॉलेजेस में एंटर करने की. मैं जैसे बता दूँ, इनकेस अगर आपने NMAT की एग्ज़ाम क्रैक की है, स्नैप की एग्ज़ाम क्रैक की है, और अगर आप NMIMS मुंबई या SIBM पुणे टॉप के कॉलेजेस के लिए शॉर्ट लिस्टेड भी हो चुके हो, फिर भी सीमैट देना तो बनता ही है अगर आप टॉपर हो. फिर भी टॉपर्स के लिए एडवांटेज ये हो सकता है, इनकेस अगर सीमैट का स्कोर जो है आपका वो JBIMS एक्सेप्ट कर ले, सो JBIMS में एडमिशन लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है बाकी एंट्रेंस के कॉलेजेस के कंपैरिजन में, बिकॉज JBIMS की लेगेसी, एल्यूमनाई नेटवर्क, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो आपका फेवरेट टॉपिक होता है इंटरेस्ट का, एवरेज प्लेसमेंट, वो काफ़ी अच्छी है JBIMS से. सो JBIMS का एक एडवांटेज ये है कि वो हमारे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में है, सो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर आपको मिल सकता है. सो वो, लेकिन वो पता नहीं रहता है कि JBI एक्सेप्ट करेगा सीमैट का स्कोर या नहीं करेगा, पहले डिक्लेरेशन नहीं होता है, सस्पेंस हर साल बना होता है. बट इनकेस अगर JBIMS आपके सीमैट 2021 का स्कोर एक्सेप्ट कर ले, आप अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर लेते हो 99.9% प्लस, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके, सो पॉसिबल है. आप फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है, लक फेवर्स द ब्रेव, एंड इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड ब्रेव स्टूडेंट देन यू हैव टू रॉक इन एक्चुअल एग्ज़ाम. पूरी पूरी आपकी मेहनत आपका साथ देगी, पूरे आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, बस ये है पूरे एंथुजियाज़म, डिटर्मिनेशन और जेस्टफुलनेस के साथ उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैप करना है. इसीलिए यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हो,
सीमेट 2021 का जो हेडिंग दिया है यहाँ पर, ओ में एक स्माइली बना हुआ है। स्माइली आपको पूरे वीडियो में बताते रहेगा कि यस यू कैन यू विल, आप अचीव कर सकते हो। स्टिल डिटरमाइंड रहो, इंस्पायर्ड रहो और गोल ओरिएंटेड रहो, रिजल्ट ओरिएंटेड रहो, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा। और एक चीज़ वहाँ पर मैंने लिखा है नाउ और नेवर, सो अब नाउ और नेवर टाइम है, ठीक है। बकल अप योर शूज़ एंड गेट रेडी फॉर सीमेट, ओके। सीमेट में आपको अपना बेस्ट देना है, डजेंट मैटर पहले क्या हुआ, कोई भी एग्ज़ाम हो। बहुत सी बार ये होता है स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड होते हैं बट एक्चुअल एग्जामिनेशन के डी डे में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, एंग्जाइटी होती है, प्रेशर होता है, नर्वसनेस होती है, समझ सकते हो बातें। बट सीमेट एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम है जिसमें आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए मैं एक बार पैटर्न बता देता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी पता ही है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सीमेट का जो आपका एक्चुअल एग्ज़ाम पैटर्न है, चार सेक्शन होते हैं आपके। फर्स्ट सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन, 25 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, 25 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, पर क्वेश्चन 4 मार्क रहेंगे। सेम इंग्लिश के लिए भी 25 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी 25 क्वेश्चंस और जीके के लिए भी 25 क्वेश्चंस। सारे सेक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स का, टोटल 180 मिनट्स। निगेटिव मार्किंग है सीमेट में तो उसका थोड़ा ख्याल रखो। प्लस 4 मार्क्स आपको मिलेंगे हर करेक्ट आंसर के लिए, -1 होगा अगर आप कोई रॉन्ग आंसर मार्क कर देते हो तो। सो एक्यूरेसी पर भी फोकस रखो। स्पीड का ज़्यादा टेंशन नहीं है सीमेट में, बिकॉज 3 घंटे का टाइम है आपके पास। 3 आवर्स इज़ मोर देन सफिशियंट टाइम फॉर यू टू अटेम्प्ट एंटायर पेपर। जीके आप 15 मिनट में कर लोगे, 10 से 15 मिनट में। इंग्लिश का जो सेक्शन है वो भी आप 45 मिनट्स तक कर लोगे। सो 1 आवर में अगर आप ये 2 सेक्शन कर लेते हो सो आपके पास टाइम बचता है 2 आवर्स का, और उन 2 आवर्स में आपको लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन अटेम्प्ट करना है। यहाँ भी आप 1 आवर में सिटर्स क्वेश्चन को टारगेट करो पहले, बहुत ज़्यादा आपका ओवरऑल स्कोर बूस्ट हो जाएगा अगर आप जीके और इंग्लिश में अच्छा कर लेते हो। और क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग में जो सिटर्स इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लेते हो सो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ जाएंगे एक्यूरेसी के साथ, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा एक्चुअल एग्जाम में। साथ ही साथ जो लास्ट 1 आवर है उसमें मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है हमारे पास हर ऑनलाइन एग्जाम में, तो उसमें वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको लगता है कि हाँ ये डूएबल है और आप कर सकते हो, आपने प्रैक्टिस की है। अननेसेसरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, वो टाइम बचाना है। और जहाँ पर हम मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। पेपर इनकेस अगर डिफ़िकल्ट आ जाए तो कोई बेंचमार्क लेके मत जाना माइंड में कि हाँ 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है एनी हाउ, वो गलत स्ट्रेटेजी होगी। पेपर इजी है तो डेफिनेटली फिर 80 या 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 100 के 100 कर लो, डजेंट मैटर, बट डिफ़िकल्टी लेवल का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सो सीमेट का पैटर्न आई होप समझ में आ गया होगा जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें। 3 आवर्स का टाइम है, ओके। और आपको जीके इंग्लिश इसमें पहले मैक्सिमम जो टाइम है अपना वो बचाना है, 1 आवर में 2 सेक्शन कर लो, फिर लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स के लिए टाइम ही टाइम है आपके पास। ये स्ट्रेटेजी आप आपके मॉक में भी अप्लाई करो, 5 से 10 मॉक का टारगेट रखो। एक्चुअल एनवायरनमेंट में सीरियसनेस के साथ दो, जैसे आप एक्चुअल सीमेट देने वाले हो सो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। खुद से ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन सेक्शन बाय सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन से, और वहाँ मैंने लिखा है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर से मेरा मतलब ये है जो सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या जिस सेक्शन में जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उसे सब सेक्शन कह सकते हो, उसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेटेज वाइज। जैसे आप देखो सबसे पहले अरिथमेटिक्स की बात हम करने वाले हैं आपके क्वांट्स और डीआई सेक्शन में। अरिथमेटिक्स इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोर देन 50% क्वेश्चन आउट ऑफ 25, 12 to 13 क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक्स से रहेंगे अलोन। अरिथमेटिक्स में भी फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल बेसिक कंसेप्ट बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी सॉल्यूशन फाइंड करने में, ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकते हो, सो काफ़ी इजी आपके लिए हो जाएगा। बट अरिथमेटिक इजी टू मॉडरेट पूछा जाता है सीमेट में,
ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी अदर MBA एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर किया है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी CMAT में ओवरऑल स्कोर बूस्ट करने के लिए एज़ फार एज़ अरिथमेटिक्स इज कंसर्न, बिकॉज CMAT में अरिथमेटिक बहुत ईजी लेवल पर टेस्ट होता है, प्रोवाइडेड आपके बेसिक स्ट्रांग है और आपने गुड इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। अब अरिथमेटिक में मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत ज़्यादा टॉपिक है, वास्ट सिलेबस है, बट हमें क्लस्टर बना के ब्लॉक्स में प्रिपरेशन करना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पहला आपका ब्लॉक रहना चाहिए परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद मूव ऑन करो रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप। उसके बाद एवरेजेस, एलिगेशन मिक्सचर्स, एवरेजेस में वेटेड एवरेज भी कर लो। इतना अगर आप पहले कर लेते हो सो इससे आपको एडवांटेज ये मिलता है, इजी टॉपिक्स आप कवर कर लोगे, कमर्शियल क्वांट्स कहते हैं इन टॉपिक्स को, यहाँ पर आपकी एक अच्छी होल्ड आ जाएगी, CMAT में बहुत ज़्यादा वेटेज भी है इनका, सो ओवरऑल स्कोर बूस्ट करने में आपको एक अच्छी स्टार्ट मिल जाएगी। सेकंड एडवांटेज हमारा ये है, DI में आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज़ इन पर अच्छी पकड़ बना लेते हो तो DI इजीली आप कर लोगे। हालांकि CMAT में उतना टेंशन नहीं है, DI का हम अभी डिस्कस करेंगे वो भी, बट ओवरऑल जो है अरिथमेटिक क्लस्टर में प्रिपेयर करो। नेक्स्ट आप मूव ऑन करो टाइम वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ऐसी कोई एग्ज़ाम है ही नहीं जिसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना आए। उसके बाद में TSD टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अब यहाँ सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, जैसे बेसिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, फिर रिलेटिव स्पीड है, एवरेज स्पीड है, उसके साथ साथ बोट्स एंड स्ट्रीम्स है, ट्रेन्स है, क्लॉक्स है, रेसेस है आपकी लीनियर और सर्कुलर, बट बेसिक आप पूरा करके रखो, बेसिक ही इनफ है। टाइम है तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस भी कर लो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। बट अरिथमेटिक स्कोरिंग एरिया है, मोर देन 50% कवरेज जो है आपके क्वेश्चंस का वो अरिथमेटिक से रहेगा क्वांट्स एंड DI में। आई होप क्लियर है। सो अरिथमेटिक पर अच्छा फोकस करो, अच्छी प्रैक्टिस करो। ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट है, जो सिमिलैरिटीज़ के जो कंसेप्ट है, जो ट्रिपलेट्स के कंसेप्ट है ऑफनली टेस्ट होते हैं। उसके बाद में क्वाड्रेटिक जो ये है आपके क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगॉन्स, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता रहना चाहिए। टू डायमेंशनल मेंसुरेशन सॉल्व करने में भी आपको यहाँ से हेल्प होगी, फार्मूला ओरिएंटेड ही है। थ्री डायमेंशनल मेंसुरेशन भी कर लो, फार्मूलीज आपको पता रहना चाहिए। सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा लॉजिक अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेफर साइड के लिए हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेसिक करके रखो। सर्कल्स पर अच्छी होल्ड बना लो, सर्कल्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, टेंजेंट सिकेंड थ्योरम, क्वाड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ये ऑफनली टेस्ट होते हैं CMAT में। सो ज्योमेट्री भी बेसिक लेवल पर करके रखो, स्पेशली मेंसुरेशन के फार्मूलीज एंड ऑल आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। बेसिक लेवल पर हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री भी कवर करके रखो, जैसा मैंने जस्ट बताया। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री भी, बिकॉज अगर आपको ओवरऑल स्कोर यहाँ पर 90+ स्कोर करना है सो ज्योमेट्री में आपको अच्छा करना होगा, और मुझे उम्मीद है आप कर भी लोगे बिकॉज इजी सेक्शन है। मॉडर्न मैथ्स की बात कर ले, मॉडर्न मैथ्स में जो आपके ट्रेडिशनल टॉपिक्स है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, बेसिक लेवल पर करके रखो इन्हें, काफ़ी इजी लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इजीली आप कर लोगे, ऐसी लेवल रहती है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। लाइक इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोबेबिलिटी आपको सॉल्व करना है, जैसे कॉइन को 5 बार टॉस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल इजी कंसेप्ट रहेंगे। साथ ही साथ मॉडर्न मैथ्स में लॉगरिथम्स, प्रोग्रेशंस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस और सेट थ्योरी, इनके बेसिक्स भी आपको अच्छे से करना ज़रूरी है। सेट थ्योरी पर इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लॉक्स पर भी पूछ सकते हैं, 5 से 6 फार्मूलीज है लॉगरिथम्स में, काफ़ी ईजी है आपके लिए करना। और प्रोग्रेशंस भी ईजी है, वर्ड प्रॉब्लम्स जो रहेंगे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, आप ईजिली कर लोगे। सो फार्मूलीज अच्छे से रिवाइज करके रखो मॉडर्न मैथ्स में भी। नेक्स्ट DI की बात कर लेते हैं। अब DI को मैंने 4th पोजीशन पे रखा है आउट ऑफ जो आपके 6 सेक्शन सब सेक्शन है यहाँ, बिकॉज DI का ऐसा है, पहले AICTE जब कंडक्ट करती थी तो एक क्वेश्चन आता था, DI का एक क्वेश्चन या मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन रहेंगे इंडिविजुअल। लास्ट ईयर NTA ने जब से कंडक्ट करना शुरू किया तो DI का पहली बार एक पूरा सेट आया 4 क्वेश्चन का, बहुत डुएबल था, विदिन 5 मिनट्स आप चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इतना इजी था।
इस बार भी अगर इंडिविजुअल सेट आ जाता है चार क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जैसा मैंने बताया, अरिथमेटिक में अगर आप परसेंटेजेस, रेशियोज और एवरेजेस, इनके बेसिक्स अच्छे कर लेते हो, सो DI बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, केक वॉक रहेगा। उसके बाद में नंबर सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम्स में जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है नंबर की, साथ ही साथ LCM, SCF, रिमाइंडर्स के बेसिक, इतना आप अच्छे से करके रखो। ज़्यादा आपको फैक्टोरियल, फैक्टराइजेशन, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, इन सब पे उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन इन पर पूछे नहीं जाते। थोड़ा बहुत सर्ट्स एंड इंडाइसेस करके रखो, सिंप्लीफिकेशन थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके रखो, पूछ सकते हैं नंबर सिस्टम के कैटेगरी में। सो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस अगर आते हैं, सो उसका वेटेज तो कम है एक्चुअल एग्जाम में, बट आप वहाँ पूरे मार्क्स स्कोर करो ओवरऑल स्कोर बूस्ट करने के लिए। एंड में मैंने यहाँ पर लिखा है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस का फंडा कुछ ऐसा है, जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे हालांकि वो ज्योमेट्री में हमने जस्ट डिस्कस किया, बट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ नोवेयर, आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यहाँ से इलिप्स और पैराबोला का क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ नोवेयर। सो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको सिलेबस के बुकलेट्स में भी नहीं मिलेंगे, टॉप इंस्टीट्यूट्स के भी। सो ये हमारे लिए एलियंस टाइप्स क्वेश्चन है कि कहाँ से अपीयर हो गए। और कभी ना कभी सीमैट में होता है कि एक आधा क्वेश्चन तो रहता ही ऐसा स्ट्रेंज सा, उसके पीछे एग्जामिनर का मोटिव यही होता है कि 100 आउट ऑफ 100 कोई स्कोर ना करे, बट कुछ लोग स्कोर कर भी लेते हैं, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको पता ही नहीं है कंसेप्ट, मिसलेनियस टॉपिक कोई आ जाए, सो बेटर उसे लेफ्ट कर दो, बिकॉज एक मार्क की पेनल्टी है, ठीक है। सो निगेटिव मार्किंग का भी ख्याल रखो, और फ्री में अपने मार्क लूज मत करो अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में। आइडियल टारगेट आपका यहाँ पर रहना चाहिए 90 मार्क्स, 90 के ऊपर आप जितना स्कोर कर सको, या एटलीस्ट 80 प्लस, अच्छे कॉलेज के लिए 80 प्लस, टॉप कॉलेज जैसा JBIMS आपको टारगेट करना है तो 90 प्लस आपको यहाँ पर टारगेट रखना होगा। सो ये बात है क्वांट्स और DI की। कोई दिक्कत होगी इस सेक्शन में तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं आपकी इंग्लिश सेक्शन की। AICTE जब कंडक्ट करती थी CMAT, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता था, 4 RCs आते थे, 3 RCs आते थे, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते थे वो 15-16 रहते थे। सो RC बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था, जस्ट लाइक एवरी अदर एग्ज़ाम। बट लास्ट ईयर एक ही RC पूछा गया 6 क्वेश्चन का, जब से NTA ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया है CMAT को, एक ही RC आया 6 क्वेश्चन का, बहुत ईजी टू रीड था, डुएबल क्वेश्चन थे, फैक्ट बेस्ड, 6 के 6 आप कर लोगे 7 से 8 मिनट में, इतना इजी था, ठीक है। सो RC में स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप कर लोगे। इनकेस अगर 3 से 4 RC का पैटर्न इस बार रिपीट होता है, फिर भी ट्रेडिशनली CMAT के जो RCs है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, इजी टू रीड होते हैं और ज़्यादा लेंदी भी नहीं होते, मैक्स टू मैक्स 500-600 वर्ड्स। सो इतने वर्ड्स में आप RC भी कवर कर लोगे। तो कोई भी पैटर्न रहे RC का, हमें रेडी रहना है, RC स्कोरिंग है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जो मुझे लगता है, और रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से वो है वोकैबुलरी। रिसेंट ईयर्स में वोकैबुलरी का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 15-16 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश सेक्शन में वोकैबुलरी से पूछे जा रहे हैं, एटलीस्ट 12-13 तो पूछे ही जाते हैं। वोकैबुलरी में भी आपके जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके साथ साथ एनोलॉजीज, ये पूछे जाते हैं इंग्लिश सेक्शन में। क्लोज टेस्ट भी पूछ सकते हैं, डुएबल होता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है CMAT में। बट प्री रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट है वो अच्छी प्रिपेयर रहे, जो हमारे टॉप 1000-1500 वर्ड्स जो होते हैं एटलीस्ट वो आपको पता रहना चाहिए। सो वोकैबुलरी थोड़ी ब्रशअप कर लो, थोड़ा टाइम दो वोकैब इम्प्रूव करने पर, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंग्लिश स्कोर में, इंग्लिश सेक्शन में अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए। सो वोकैब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, RC तो आप कर लोगे, बट प्रिपरेशन में मेन फोकस करंट टाइम में रखो वोकैबुलरी के ऊपर, और एक महीने में आप काफ़ी अच्छी रिविजन और न्यू वर्ड्स को ब्रशअप कर सकते हो। उसके बाद में ग्रामर की बात कर ले। ग्रामर के मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चंस देखे जाते हैं CMAT में, और वो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस और प्रीपोजिशन से रिलेटेड होते हैं। इनके बाहर ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछते आपसे, चेंज द वॉइस, नरेशन, उसके बाद में आर्टिकल्स, उतना डिटेल में नहीं पूछते। बेसिक सेंटेंस करेक्शन होता है, वो इजीली आप कर लोगे।
फर्स्ट रीड में ही आपको समझ में आ जाएगा या ऑप्शन के हेल्प से भी समझ में आ जाएगा। इनकेस अगर ऑप्शन में नो एरर है, जो कि देते ही है, सो थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करो कि सब्जेक्ट वर्ब बराबर मैच कर रहे हैं या नहीं, टेंसेस बराबर है या नहीं। बस उतना ही अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कर लेते हो सो ग्रामर इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू। दो क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर से, प्रैक्टिस करके रखो। आरसी में स्कोर करना इजी है, कितने भी आरसी आए, एक आरसी आ जाए या तीन से चार आ जाए, मीडियम लेवल रहेगी इसकी, लेंथ जो रहेगी वो भी शॉर्ट रहेगी, 500 to 600 वर्ड्स मैक्स। क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड रहेंगे और मेन फोकस रखो आप वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट पर, बिकॉज अगर आप अच्छी वर्ड लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हो, वर्ड्स ब्रशअप करते रहते हो, रिविजन करते रहते हो, सो डेफिनेटली इंग्लिश में आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और इंग्लिश में भी 100 out of 100 स्कोर करना पॉसिबल है, पहले भी स्टूडेंट्स ने किया है, आप भी कर सकते हो, डुएबल है, नथिंग डिफिकल्ट। इवन वो आपने सुना ही होगा, इम्पॉसिबल वर्ड्स इट्सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सो वही बात है, बस फोकस आपको रखना है वोकैब इम्प्रूवमेंट पर, बिकॉज वहाँ आपको थोड़े प्रिपरेशन की ज़रूरत है ओवरऑल स्कोर बूस्ट करने के लिए, बाकी आप इजीली कर लोगे। इंग्लिश में 40 to 45 मिनट आपको इन्वेस्ट करना है और आराम से आप 25 क्वेश्चंस कर लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आप देख लो ट्रेडिशनल लॉजिक, पजल्स और वर्बल रीजनिंग, ये आपको मोस्टली टेस्ट किया जाता है सीमैट में। AICTE जब कंडक्ट करती थी तब पजल्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता था। पजल्स का लेकिन एक ये है, कभी भी सेट में पजल नहीं पूछते थे आपसे, जैसे एक सीटिंग अरेंजमेंट है उस पर चार क्वेश्चंस पूछ लिए, या कोई मैट्रिक्स पजल है और उस पर चार क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा कभी नहीं होता था। एक पजल ही रहता था एक क्वेश्चन के लिए, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती थी, रीजनिंग सॉल्व करने में आपको टाइम लगता था, बिकॉज आपको 15 to 16 पजल अटेम्प्ट करना है और हर पजल को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, सो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता था, ऑप्शंस भी क्लोज होते थे। बट रिसेंट ईयर में ट्रेंड पूरा चेंज हो चुका है, पजल्स जो है, पजल्स का वेटेज सरप्राइजिंगली थोड़ा कम है और पूरा फोकस आ गया है ट्रेडिशनल लॉजिक के ऊपर। ट्रेडिशनल लॉजिक आपके प्रैक्टिस का फेवरेट एरिया है और इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग में स्कोर करना बहुत ईजी है सबके लिए। सो ट्रेडिशनल लॉजिक में जो मोस्टली हमारे टॉपिक्स होते हैं, आपने वो प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे अब तक, नहीं भी किए होंगे फिर भी 3 to 4 दिन लगेंगे आपको पूरा सिलेबस कवर करने में। की टॉपिक्स मैं बता देता हूँ, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग जो कन्वेंशनल पैटर्न पे है सिंपल वैसे, उसके बाद में सीरीज, रैंकिंग्स, मिसिंग डिजिट इन द फिगर फाइंड आउट करने के जो क्वेश्चंस होते हैं वो, उसके बाद में नंबर ग्रिड सिंपल, उसी के साथ साथ आपको फोकस करना है थोड़ा बहुत विजुअल रीजनिंग के ऊपर। दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विजुअल रीजनिंग से, बेसिक सीरीज एनालॉजीज और पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, इतना आप करके रखो। वाटर इमेज, मिरर इमेज, इसके बेसिक्स भी थोड़े करके रखो सेफर साइड के लिए। सो ट्रेडिशनल लॉजिक में बहुत ईजी है आपके लिए स्कोर करना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट इनपुट आउटपुट भी यहाँ पूछा नहीं जाता है और ओवरऑल जो लेवल होती है क्वेश्चंस की, जो सिंगल क्वेश्चंस आते हैं अल्फा न्यूमरिक सीरीज पे आ गए, सिंपल आपके डिजिट सीरीज पे आ गए, सो काफ़ी इजी होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंसेस और ब्लड रिलेशंस, ये तो फेवरेट टॉपिक होते हैं सबों के और हर कोई ईजिली कर लेता है। ब्लड रिलेशंस में सिर्फ सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं अगर पैटर्नल और मैटर्नल ग्रैंडफादर इनके क्वेश्चंस अगर पूछ ले, ग्रैंड पेरेंट्स के इन जनरल। सो पैटर्नल आपको ध्यान में रखना है, फादर के साइड के पीपल को कहते हैं, और मैटर्नल जो रहते हैं सो इन्हें फैमिली ट्री में रेफर करेंगे मदर के साइड के पीपल्स को, सो इतना आपको ध्यान में रखना है। सो ब्लड रिलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्शन सेंस भी बहुत ईजी है, जो कन्वेंशनल डायग्राम है हमारा डायरेक्शन वाला आप सभी को पता ही है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी इजी है। साथ ही साथ एक टॉपिक और मैं बताना चाहूँगा ट्रेडिशनल लॉजिक में, जो वेन डायग्राम्स होती है, सो बेसिक वेन डायग्राम्स भी करके रखो, इजी है, इनकेस अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में पजल्स की बात अगर की जाए, सो पजल्स में सिंपल है, फोकस रखो अरेंजमेंट्स पर, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, इसके साथ साथ फोकस रखो मैट्रिक्स पजल्स पर, इतना ही इनफ है सीमैट के लिए, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में वर्बल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, 6 to 7 क्वेश्चन आपके टेस्ट हो सकते हैं। सो वर्बल रीजनिंग की जो बात है आपके लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में, सो वहाँ के की टॉपिक्स एक बार हम देख लेते हैं। ऑड मैन आउट के बाद सिलॉगिज्म्स हर साल आता ही है इजी लेवल पर,
ज़्यादा इसमें आपको पॉसिबल केसेस के भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो ईजी है स्कोर करना। सिलोगिज्म्स के बाद एनालॉजीज, एनालॉजीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाली होती है, सो ईजी है। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट, ये एक फेवरेट क्वेश्चन टाइप है। और स्टेटमेंट्स कोर्स ऑफ एक्शन, ये एक फेवरेट क्वेश्चन टाइप है अगर हम कोर क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें आपके वर्बल रीजनिंग सेक्शन में। सो इन दो टॉपिक्स पर अच्छी होल्ड बना लो। आई होप आपने अभी तक प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे टॉपिक्स, साथ ही साथ ऑड मैन आउट, एनालॉजीज, इन्हें करके रखो और स्पेशल फोकस सिलोगिज्म्स पर दो, बिकॉज सिलोगिज्म्स पे एक से दो क्वेश्चंस आते हैं और बहुत डुएबल है, बेसिक लेवल पर है, सो इन्हें मिस आउट मत करो। सो रीजनिंग में भी बहुत इजी है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना आप सभी के लिए। पहले भी स्टूडेंट्स ने किया है और रिसेंट ट्रेंड में भी बहुत से लोग रीजनिंग में 100 मार्क्स स्कोर करके अपना ओवरऑल स्कोर बूस्ट कर लेते हैं। सो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा ट्रेडिशनल लॉजिक को प्रिपेयर कर लो, बेसिक पजल्स सॉल्व कर लो, मैट्रिक्स पजल्स के साथ सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशंस के थोड़े पजल्स देख लो। और वर्बल रीजनिंग का जस्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि आपको किस टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो तीनों सेक्शन जो हमने डिस्कस किए, तीनों में मैंने आपको एक बात बताई कि यस डेफिनेटली आप 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 यहाँ स्कोर कर सकते हो, एटलीस्ट 90 प्लस तो आपको स्कोर करना ही है। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज का फोबिया, थोड़ा डर उन्हीं स्टूडेंट्स को रहेगा जिन्होंने जीके को पूरे साल में इग्नोर किया है, प्रिपेयर ही नहीं किया है। अभी आप देख सकते हो मेरे चैनल पर डेली जीके मैं पढ़ाता हूँ, जनवरी महीने से स्टार्ट किया है, पर डे का करंट अफेयर मैं अपलोड करता हूँ। और मैं हर वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि 30 to 45 मिनट्स निकालो पर डे के अपने जीके प्रिपरेशन के लिए, करंट अफेयर्स आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और सीमैट के लिए आइडियली आपको पास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक जीके का डर लगता है लोगों को अननेसेसरी सीमैट में, सो मैं एक बात बताना चाहूँगा, स्टैटिक जीके भी जो है वो करंट टॉपिक से रिलेटेड ही होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको उन्हें आंसर करने में भी, आप इजीली कर लोगे। बहुत जल्दी मैं आपको लास्ट ईयर का जो जीके का सेक्शन था आपका सीमैट 2020 का, उसके पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करा दूंगा, आप भी देख लोगे लेवल कितनी ज़्यादा इजी थी और कितनी डुएबल थी, आपको काफ़ी हेल्प होगी। उस वीडियो को भी देख लेना, मैं एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा। बट अभी जो रिसेंट ट्रेंड की बात चल रही है, सो जीके में भी स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं, और ये उन्हीं स्टूडेंट्स ने किए हैं जिन्होंने जीके को इग्नोर नहीं किया है, अच्छे से फोकस किया है जीके पर अपने दिन के 30 minutes, 45 minutes डिवोट करके। सो उन्हें जीके में स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जैसे आप देख सकते हो करंट अफेयर्स की बात जस्ट मैंने की, एक साल के करंट अफेयर्स आपको पता रहना चाहिए। सो जनवरी 2020 टू फेब्रुअरी 2021, इतने ड्यूरेशन के करंट अफेयर्स आपको पता रहना चाहिए। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा यानी हरक्यूलियन टास्क लगेगा इतने करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना, बट मैं बता देता हूँ इसका भी टेंशन मत लो, जो मेजर हेडलाइंस है उन्हें कवर कर लो मंथली बेसिस पर, जो टॉप 50 टॉप 100 हेडलाइंस आपकी होती है उन्हें कवर करते चलो। जैसे US के जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है जो बिडेन, वो 46th प्रेसिडेंट बने हैं USA के, सो आपको इतना पता रहना चाहिए। लेबनान एक्सप्लोजन हुआ था आपको याद होगा, सो लेबनान एक्सप्लोजन में जो गैस था रिस्पॉन्सिबल उसका नाम क्या है, सो उसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट, ये आपको पता रहना चाहिए। साथ ही साथ जो अवार्ड्स होते हैं नोबल प्राइज, उसके बाद में आपके ऑस्कर्स, सो इसके आपको पता रहना चाहिए विनर्स कौन है। उसी के साथ साथ जितनी भी रिसेंट ट्रेंडिंग है, जैसे कोविड के लिए पहली जो वैक्सीन आई थी सो किस कंट्री ने बनाई थी, सो उसका नाम है रशिया, और उस वैक्सीन का नाम क्या है, सो उसका नाम है स्पुटनिक 5। सो ये जो मेजर हेडलाइंस है एटलीस्ट इतनी आपको पता रहना चाहिए। और जैसा लेबनान की हमने बात की, तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि आपको लेबनान न्यूज़ में है तो इसकी करेंसी पूछ ले, इसकी कैपिटल पूछ ले, तो कैपिटल है लेबनान की बेरूत और करेंसी है लेबनान की लेबिनिस पाउंड। सो आई होप आपको पता होगी ये सब चीज़ें। सो मेजर हेडलाइंस आपको कवर करना है, बुक्स एंड ऑथर्स, उसके बाद में इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ द मंथ, उसी के साथ साथ पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ जो आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब की है, इम्पॉर्टेंस दो उन्हें, और मंथ बाय मंथ 50 to 60 हेडलाइंस प्रिपेयर करके रखो। फोर्ब्स पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर,
ये सब पता करो, बिकॉज इन मैगजीन्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता रहना चाहिए। रिसेंटली ब्लूमबर्ग्स बिलीनियर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 रिलीज हुई, उसके हिसाब से ये एलॉन मस्क रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड के, जेफ बेजोस को ओवरटेक करके। सो जेफ बेजोस अमेजॉन के फाउंडर है और एलॉन मस्क टेस्ला के हैं। सो आपको इन ये सब चीज़ें पता रहना चाहिए, ब्रांड एम्बेसिडर्स पता रहना चाहिए। जैसे जो सनग्लासेस का फेमस ब्रांड है ओकले, जो रेबेन के कंपटीशन में होता है, तो ओकले के ब्रांड एम्बेसिडर कौन बने हैं? सो आपको पता रहना चाहिए रोहित शर्मा। सीएट टायर्स के जो ब्रांड एम्बेसिडर्स बने हैं ये कौन बने हैं? सो आपको पता रहना चाहिए आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, बॉलीवुड के सुपरस्टार। सो जो रिसेंट ट्रेंडिंग हैपनिंग्स हैं इन पर आपकी पकड़ रहना चाहिए। और ब्रांड एम्बेसिडर्स प्रिपेयर करने का एक और तरीका है, जब भी आप टीवी देखो, जब भी आप नेट पर कुछ सर्फ कर रहे हो, सो आप वेरियस एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हो। सो बस उस एडवर्टाइज से भी आप गेस कर सकते हो कि इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसिडर ये पर्टिकुलर सेलिब्रिटी है। सो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। और करंट अफेयर्स में स्कोर करना ईजी है, सो फोकस रखो करंट अफेयर्स पर। आइडियली पास्ट वन ईयर के करंट अफेयर्स ब्रशअप करके रखो। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं आपके स्टैटिक जीके की। सो स्टैटिक जीके में मैंने लिखा है बेस्ड ऑन रिसेंट करंट अफेयर्स, जैसा मैंने बताया। थोड़ा विकिपीडिया पे भी सर्च करते चलो टॉपिक्स को, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ी बहुत ब्रीफ रीडिंग विकिपीडिया से करो, उससे और ज़्यादा आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट जो है स्टैटिक जीके में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन्हें बेसिक लेवल पर करके रखो। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पर थोड़ा फोकस करो, ज्योग्राफी में बॉर्डर लाइंस पर स्पेशल फोकस करो, फेमस रिवर्स पर, मॉन्यूमेंट्स पर, इन सब पर फोकस करो। इनकेस अगर बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लेगी ड्यूरेंड लाइन किन दो कंट्रीज़ को डिवाइड करती है, तो आपको पता रहना चाहिए उसका आंसर है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मैकमैन लाइन किन दो कंट्रीज़ को डिवाइड करती है, तो आपको पता रहना चाहिए इंडिया और चाइना के बॉर्डर का नाम है। सो इस हिसाब से आपको आपके स्टैटिक टॉपिक्स प्रिपेयर करना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप करंट अफेयर्स मेजर जो हैपनिंग्स है उतना ही कवर कर लेते हो, तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 आप इजीली कर लोगे सीमैट में। अगर आपका जीके बहुत अच्छा है तो एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा जो मैं बता देता हूँ। क्वांट्स में एक दो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहेंगे, इंग्लिश में हो सकते हैं एक दो वोकैब के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहे आपके लिए, रीजनिंग में भी कुछ हो सकता है टिपिकल सा। सो यहाँ जो हमारा 7-8 क्वेश्चन का लॉस हो रहा है वो हम कवर कर सकते हैं जीके में, अगर आपने जीके अच्छे से प्रिपेयर किया है तो। एंड वाई से वर्षा, अगर आप बाकी सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रो हो, जीके आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, तो जीके में जो आपका 7-8 क्वेश्चन का लॉस होगा वो आप यहाँ कवर कर सकते हो। सो सब डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर, बट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। और मॉक एग्ज़ाम के स्कोर से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। सो किसी भी एग्ज़ाम की कोई भी मॉक हो ज़्यादा टेंशन मत लो, प्रिपरेशन चलने दो, बिकॉज जैसे स्टूडेंट्स के बीच में कॉम्पिटिशन है आप लोगों के बीच में, सो मॉक जो इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं उनके बीच में भी कॉम्पिटिशन है। और ये बात मैंने पहले भी हमारे स्ट्रेटेजी वीडियोज़ में बताई है, उन्हें भी मॉक्स थोड़े टफ बनाना है सो दैट मार्केट में उनकी रेप्यूटेशन बनी रहे कि हाँ पर्टिकुलर कोचिंग के मॉक्स थोड़े टफ है, स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। सो आपको ये बात ध्यान में रखना है, मॉक्स के स्कोर को ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है, पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पर रखो, एक्चुअल एग्ज़ाम पर। मॉक्स जस्ट रिफ्लेक्शन है आपके प्रिपरेशन का, अगर स्कोर बहुत कम आता है तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने पहले हमारे एक वीडियो में बताया जो मैंने रिसेंटली बनाया था, टॉप 10 नॉन स्टडी टिप्स, तो उसमें मैंने एक स्वॉट एनालिसिस आपको बताया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ऐसे चार कॉलम बनाकर उसमें अपने प्रिपरेशन के एरियाज़ को डिवाइड कर लो। स्ट्रांग एरियाज़ को और स्ट्रांग करो, वीक एरियाज़ को टाइम है इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपॉर्चुनिटीज एरिया आपको लगते हैं उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करो, थ्रेड जो है अगर कोई एरिया बहुत ज़्यादा टफ है तो लास्ट 1 मंथ में उसे प्रिपेयर करने में कोई सेंस नहीं बनता, बेसिक लेवल पर उसे कर लो, बाकी उसे इग्नोर कर दो। स्ट्रांग, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी, इन तीन एरिया पर फोकस करो और ओवरऑल स्कोर अपना बूस्ट करो। अब जो आपका नेक्स्ट वन मंथ का टास्क है उसमें मैं समझता हूँ लॉजिकल रीजनिंग में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगी, आप कर लोगे। क्वांट्स की प्रैक्टिस चलने दो, डेली 20-30 क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज करो, उसके साथ साथ कैलकुलेशन स्पीड आपकी थोड़ी तेज़ हो ऐसे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी चलने दो।
साथ ही साथ जो मेन फोकस आपको करना है वो इंग्लिश में वोकैबुलरी पर करना है, और जितना जीके आप ब्रशअप कर सकते हो आने वाले एक महीने में पास्ट वन ईयर का, इस पर आपको स्पेशल फोकस करना है। सो वोकैबुलरी और करंट अफेयर्स, इन दो एरिया पर स्पेशल अटेंशन दो। 2 आवर्स वोकैब प्रिपरेशन में लगाओ, 3 आवर आपके जीके प्रिपरेशन में लगाओ। टाइम आपको निकालना होगा, टाइम मैनेज करना होगा। सो अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है, JBIMS में 99.9% प्लस स्कोर करना है, सो आपको सारे सेक्शंस को ड्यू इम्पोर्टेंस देते हुए प्रिपरेशन भी ऑनेस्टली करना होगी, पूरा इम्पोर्टेंस देना होगा, और साथ ही साथ ओवरऑल स्कोर भी बूस्ट करना होगा। सो कंक्लूजन पॉइंट जो हमारा होगा वीडियो का, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा, डूएबल है सीमैट, बहुत ज़्यादा इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा टेंशन लो मत। NTA कंडक्ट करने वाली है, सो अज्यूम करके चलते हैं कि एग्ज़ाम लास्ट ईयर के हिसाब से ही चल रहेगा, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। आपके हाथ में आपकी प्रिपरेशन है, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ चीज़ें होती हैं उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन, ये चीज़ें तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडी डिसाइड करती है, ये आप डिसाइड नहीं करते हो। सो फालतू में इन सब चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड मत करो, बिकॉज वी नेवर नो कि 22 फरवरी और 27 फरवरी को आपका एक्चुअल पेपर कैसा रहेगा। सो वो तो हमें उसी दिन पता चलेगा, आपके हाथ में आपकी प्रिपरेशन है, जो अवेलेबल टाइम है उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करो। सोशल मीडिया को थोड़ा ब्रेक दो, ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट मत करो, जैसा मैंने हमारे नॉन स्टडी वीडियो में भी बताया था टॉप 10 टिप्स में, सो वो वीडियो भी देख लो, उससे भी आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अपनी प्रिपरेशन को सिस्टमेटिक सेल्फ डिसिप्लिन मैनर में कवर करने में। सो मैं सारे वीडियोस जितने भी है स्ट्रेटेजीज वीडियोस और जिन वीडियोस की मैंने बात की उनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो ये हमारा डिटेल डिस्कशन था, डेफिनेटली पॉसिबल है आपके लिए टॉप करना सीमैट में, इवन अगर आप टॉपर भी हो एक एग्ज़ाम और टॉप कर दो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका बाकी एग्ज़ाम में कुछ हुआ नहीं है, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीमैट इज़ स्टिल देयर। और सीमैट के लिए एक गुड न्यूज़ मैं और बता दूँ, 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड कर दी गई है। सो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर किया नहीं है, सो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रजिस्ट्रेशन कर लो और डेफिनेटली सीमैट को टारगेट करो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अच्छी प्रिपरेशन चलने दो, स्ट्रेस फ्री रहो, रिलैक्स रहो, जितने रिलैक्स रहोगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, बिकॉज पीस ऑफ माइंड मैटर्स। थोड़ा बहुत टाइम जो आप सोशल मीडिया से बचाओगे वो 30 मिनट्स 45 मिनट्स अपने एक्सरसाइज पर दो, स्ट्रेस फ्री फील होने में एंडोर्फिन जो हैप्पीनेस हार्मोन है आपका वो रिलीज होगा, आपको प्रिपरेशन करने में भी एक मज़ा आएगा। सो आई होप जितने पॉइंटर्स थे सीमैट से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, मेरे लिए वो मोटिवेशनल फैक्टर रहेगा। साथ ही साथ वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी हेल्प हो जाएगी सीमैट क्रैक करने में। साथ ही साथ हमारे चैनल एग्ज़ाम कैसल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ हम डेली क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं आपके लिए, सीमैट में भी आपको हेल्प मिलेगी, सो मुझे पूरा यकीन है। सो डेली जीके की हमारी सीरीज़ तो चल ही रही है, साथ ही साथ जितना जीके जितनी वोकैब कवर होती है मैं अपलोड करते रहूँगा आपके लिए। सो बेस्ट विशेस के साथ आप अपनी प्रिपरेशन फुल जेस्ट के साथ करो, इंस्पायर्ड रहो, डिटरमाइंड रहो, ठीक है, और बहुत अच्छे से एक्चुअल सीमेट को क्रैक करो, मॉक्स पर फोकस करो, स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिवाइड करो और इम्प्रूव करते चलो। स्पेशल फोकस फिर से एक बार बता देता हूँ, वोकैब इम्प्रूवमेंट और करंट अफेयर्स पे रहो, इजीली स्कोर कर लोगे, ओवरऑल स्कोर अपना बूस्ट कर लोगे और अपने ड्रीम बी स्कूल में एडमिशन ले लोगे। सो डेफिनेटली गो फॉर सीमैट और अपना बेस्ट दो। सो विद दैट नोट गाइज, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून टू अवर अपकमिंग वीडियोज़। सो बाय बाय, टेक केयर।